बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि क ख ग ख कैसे बनता है, तो वो मैंने आपको ज तक सिखाया था। तो आज मैं आप सबको ज सिखाने वाली हूँ। कौन सा वर्ड? ज। बच्चों ज कैसे लिखते हैं? तो ज को सबसे पहले ऐसे लिखी करके ऐसे करना है, फिर यहां से लेके यहां तक जाके यहां तक लाइन कर देंगे, तो बन जाता है हमारा ज। चित्र को यहाँ
से जोड़ना भी है। तो यहाँ पे कौन सा चित्र है? चलो देखो, सबसे पहला चम्मच, चम्मच का चित्र है। तो सबसे पहला वर्ड कौन सा आया? चम्मच। दूसरा चित्र है जो जहाज का चित्र है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जहाज। तो सबसे पहला व्यंजन कौन सा आया है? यानी कि चित्र को उनके नाम से पहले अक्षर से जोड़े, तो उनके उनके नीचे नाम करना है या जोड़ना है। तो यहाँ पे जहाज का चित्र है, सबसे पहला वर्ड ज आया, तो यहाँ पे ज को आपको पहचानना है और उस पे गोला लगाना है या उनके साथ जॉइंट करना है। ओके, फिर आया देखो, ये किसका चित्र है? झरने का चित्र है, यानी कि पानी गिरता है, झरना है। तो झरना के सबसे पहले शब्द है झरना, तो यहाँ पे आपको पहचानना है यह च क छ ज। तो यहाँ पे झरने, झरना लिखा है, तो सबसे पहला शब्द कौन सा है? ज। तो यहाँ पे ज को आपको पहचान के राउंड करना है या उनके साथ जॉइंट करना है। समझ में आई बात? तो आप इस तरह से अक्षर भी पहचान पाएंगे, यहाँ पे दिए गए चित्र भी पहचान पाएंगे और उनके व्यंजन भी पहचान पाएंगे। यहाँ पे है झंडे का चित्र, तो इस चित्र में हमारा तिरंगा है, यानी कि झंडे का चित्र। तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा है? देखो जी, देखो यहाँ पे व्यंजन ढूंढो, ख ज ग छ। तो यहाँ पे कौन सा है? झंडा, झंडे का चित्र है। तो यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखा है झंडा, तो यहाँ पे वो झंडा का सबसे पहला व्यंजन कहाँ पे है? यहाँ पे झंडा, यानी कि ज। तो इस तरह से ज्वाइन करना है, जैसे हमने चम्मच को ज्वाइन किया, जो से जहाज को ज्वाइन किया है, फिर ज से झरना और ज से झंडा। इस तरह से आप शब्दों को पहचान पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे जो सिखाए है वही शब्द आपको दिए और वही शब्द आपको पहचानने भी है कि बेटा आगे के व्यंजन हम सीखेंगे। तो आया टॉप, पहले लाइन करनी है, फिर लाइन करके राउंड करना है, तो हमारा बन जाता है टॉ। से बनता है टॉब, टॉ से बनता है टमाटर। तो यहाँ पे टॉब में टॉ, यहाँ पे है टमाटर में टॉ, यहाँ पर है ठॉ। पहले लाइन करनी है, फिर लाइन करके राउंड करना है और लाइन करके ऐसे राउंड करके ऊपर लिट्टी लगा दी, तो बन जाता है ठ। ठ का मतलब ठप्पा ठठेरा, तो यहाँ पे आया ठ। फिर आया ड, लाइन करनी है, फिर ऐसे राउंड लगाना है, ऐसे राउंड लगा के फिर राउंड लगाना है, तो हमारा बन जाता है ड। ड से डफली डमरू, तो यहाँ पे डफली में ड यहाँ पे है और डमरू में ड हमारा यहाँ पे है। ड के बाद का व्यंजन आता है ढ। सबसे पहले लाइन करनी है, फिर ऐसे राउंड लगाना है, राउंड लगा के फिर हमें इसे
सो ज़